हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी चैप्टर्स की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट को कंपेयर कैसे करा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये सीखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलो, ये आपको दिख रहा होगा दो। अब इसमें बताओ लाइन कौन सी है, लाइन सेगमेंट कौन सी है। तो कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। वैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये ग्रीन वाली आपकी लाइन है, ठीक है जी, और ये जो रेड वाली है आपकी लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन और लाइन सेगमेंट क्यों है, देखो लाइन के अंदर क्या होता है कि जो एंडिंग पॉइंट होते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते, ये मैंने आपको बताया था, एंडिंग पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होंगे लाइन के अंदर। अब जैसे कि मैं इसके एंडिंग पॉइंट बनाता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं बी, ठीक है जी। अब देखो ये ए पॉइंट है, ये फिक्स नहीं है, ये आगे भी जा सकता है, सो ऑन आगे बढ़ सकता है, और इसको मैं पीछे भी लेके जा सकता हूँ। सिमिलरली ये जो बी पॉइंट है इसको भी आगे लेके जा सकता हूँ और पीछे भी लेके जा सकता हूँ, तो ये पॉइंट फिक्स नहीं है, इसी वजह से इसे हम लाइन कहेंगे, ठीक है। लाइन के अंदर एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड में हम एरो बना देते हैं, जहाँ लाइन खत्म हो रही है वहाँ पर हम एरो बना देते हैं। वैसे खत्म नहीं हो रही, हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं जहाँ पर ये खत्म होती हुई दिखती है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी और ऊपर बना देंगे ये, ठीक है। अब आ जाओ लाइन सेगमेंट पे, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, ठीक है, बस यही फर्क है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब ये जो सी पॉइंट है ये फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे हम बना देंगे डॉट। तो इस तरीके से हम एंड में डॉट्स बना देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो पॉइंट्स हैं फिक्स हैं। तो ध्यान रखना है, लाइन में पॉइंट फिक्स नहीं होते और लाइन सेगमेंट में पॉइंट फिक्स होते हैं। लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाएंगे हम, सी डी और ऊपर ये, देख रहे हो लाइन सेगमेंट में और लाइन में फर्क है, ठीक है। यहाँ पे हम ये लगाते हैं लाइन सेगमेंट में, और लाइन में ऊपर ऐसे एरोस। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी लेंथ की है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो आप मुझे कैसे बताओगे? तो इसको देखो, आपको उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, वो है रूलर, ठीक है। आप क्या करोगे, जो लाइन सेगमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्या रखोगे, स्केल पर जीरो पर, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो जीरो पर आएगा, और जो एंडिंग पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ ये बी है, ये जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, वो आपका कोई नंबर पे आएगा, जैसे कि 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, 5 पे आ गया, वो कोई भी नंबर पे आ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा जीरो पर होना चाहिए, ठीक है। और मान लो उसका जो जो दूसरा पॉइंट है वो 2 पे आया, इसका मतलब लाइन सेगमेंट आपकी 2 सेंटीमीटर बढ़ी हुई। अगर वो 5 पर आया तो वो 5 सेंटीमीटर बढ़ी हुई, ठीक है। तो ये आपको आता होगा रूलर से लाइन सेगमेंट को मेजर करना। अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, कंपैरिजन बिटवीन लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। लाइन सेगमेंट्स को आप कैसे कंपेयर करोगे, तो इसके लिए आपको 3 मेथड दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग सेकेंड मेथड है, और थर्ड मेथड है आपके पास कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। डिवाइडर और रूलर का यूज करते हुए आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं एक एक को। सबसे पहले है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। तो देखो, मैं आपको 2 लाइन सेगमेंट दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ ए बी, एक दे रहा हूँ सी डी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ मुझे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप इन दोनों लाइन सेगमेंट को अच्छे से देखोगे और देख के मुझे फटाक से बता दोगे कि ए बी लाइन सेगमेंट बड़ी है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि ए बी बड़ी है एज कंपेयर टू सी डी, ठीक है। तो इसी को कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आप
उसको अच्छे से देखते हो, लाइन सेगमेंट को अच्छे से देखते हो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको बता देते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हर कोई बता सकता है, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन ये मेथड कुछ केसेस में फेल हो जाता है। अब वो केसेस कौन से हैं उसको ध्यान दे। मान लो ये ए बी 5 सेंटीमीटर की है, ये सी डी 2 सेंटीमीटर की है, एक बहुत बड़ा गैप है, 5 और 2 के बीच कितना गैप है, 3 सेंटीमीटर का। तो इतने बड़े गैप को आपने अच्छे से देख लिया और आपको पता चल गया। लेकिन मैं आपको दो लाइन सेगमेंट और देता हूं, एक ये, इसकी लेंथ मान लो 4 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ मान लो 4.1 है, ठीक है, मैंने आपको इसको मेजर करके बताया, ठीक है। मान लो आपके पास मेजर करने का कोई तरीका है नहीं, आपको ऐसे ही बताना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है और बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे, क्योंकि दोनों ही लाइन सेगमेंट बिल्कुल सेम दिख रही है, ठीक है, हमें ज्यादा बहुत अंतर तो दिख नहीं रहा। आप कहोगे कि पता ही नहीं लग रहा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखा, ऑब्जर्वेशन करने से कुछ लाइन सेगमेंट का हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कौन सी लाइन सेगमेंट का पता नहीं लगा सकते, जिनके बीच का गैप बहुत छोटा सा होता है, जैसे 4 और 4.1, तो इनके बीच का गैप बस 0.1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो आप इन जैसे लाइन सेगमेंट को बता नहीं पाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो अब इनका कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ट्रेस पेपर आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो लाइन सेगमेंट जिनको आपको कंपेयर करना है उनको लेना है, और उसमें से एक लाइन सेगमेंट को चूज करना है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक को चूज कर लो, मैं सी डी को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रेस पेपर को उस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखना है जिसको आप चूज करोगे, ठीक है, इस तरीके से ट्रेस पेपर से उस लाइन सेगमेंट को कवर कर लो, पूरा ऊपर रख दो उसके, ठीक है। अब ट्रेस पेपर आपका क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, ठीक है, तो आपको उस ट्रेस पेपर में से वो सीडी लाइन नीचे दिख रही होगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस सीडी लाइन को उस ट्रेस पेपर के ऊपर ऐसे बना लोगे, ठीक है, यूं करके पूरा ऐसे स्केल की मदद से आप क्या करना, ट्रेस पेपर के ऊपर इस सीडी लाइन को बना लेना, पूरी तरीके से ट्रेस कर लेना। अब क्या करोगे, आप इस ट्रेस पेपर को उठाओगे इस सीडी लाइन से, और जिस लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना है उसके ऊपर रखोगे, ठीक है, पूरा ट्रेस पेपर अब ए बी के ऊपर रख देना, ठीक है, और इस तरीके से रखना कि ये जो सी पॉइंट है ये ए पॉइंट के ऊपर आए, यानी कि इस लाइन सेगमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आए, ठीक है, ट्रेस पेपर के ऊपर ऑलरेडी ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब क्या करोगे, सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ट्रेस पेपर को रखोगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम आए। तो अब देखो, ये ट्रेस पूरा ट्रेस होने के बाद यहाँ पर आपका कहीं डी आएगा, ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि सी डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आ रहा है, ठीक है, और ये जो है एक्स्ट्रा पार्ट है। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो नीचे वाली लाइन सेगमेंट ए बी है ये बड़ी है, और ये जो सी डी लाइन सेगमेंट है ये छोटी है। तो इस तरीके से आप ट्रेस पेपर पे ट्रेस करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। लेकिन आपको ये सब करने के लिए बहुत सारा झंझट करना पड़ेगा, ट्रेस पेपर लेना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा पूरी एक लाइन सेगमेंट को, फिर दूसरे पे रखकर उसे कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब एक थर्ड मेथड देखते हैं, वो थोड़ा ईजी है, थोड़ा क्या, सबसे ज्यादा ईजी है, और इससे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, आंसर तो सेकेंड मेथड से भी बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो बस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन थर्ड वन जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा और इसमें बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए रूलर और एक चाहिए डिवाइडर, ठीक है। रूलर तो आपको पता है स्केल, और डिवाइडर आपका होता है ये, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा हो सकता है कुछ बच्चों ने ना भी देखा हो इसको, तो इसको डिवाइडर कहते हैं। अब मान लो मेरे पास ये दो लाइन सेगमेंट है, एक है ए बी, एक है सी, एक है डी, ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना है। आप क्या करोगे, इस डिवाइडर का ये वाला जो पॉइंट है इसको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे रखोगे, और जो ये वाला पॉइंट है इसको रखोगे
यहाँ पे, ये आपको फिगर में दिखा रखा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ रखना है और जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ रखना है। इस तरीके से डिवाइडर जो है पूरी तरीके से खुल जाएगा, और कितना खुलेगा, जितना इसकी लेंथ होगी उतना वो खुल जाएगा। ठीक है, अब आप डिवाइडर को उठाओगे और रूलर के ऊपर रखोगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको यहाँ से हटा के रूलर के ऊपर रख रहे हो तो डिवाइडर हिले ना, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम टू सेम आप इसको ऐसे रखोगे, और आपको कैसे रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो पे आना चाहिए, और ये वाला पॉइंट कहीं पर भी आ सकता है, 3, 4, 5 कहीं पर भी आ सकता है। मान लो यहाँ ये आपका जीरो पे था और यहाँ पे आपका आया 5, तो यहाँ पे ये जीरो था, ये आ गया 5, तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस आप करोगे सी डी के साथ भी, ये वाला पॉइंट सी पे रखोगे, ये वाला पॉइंट डी पे रखोगे। ठीक है, ये सी और ये डी हो जाएगा, फिर वही प्रकार को रखोगे, प्रकार कह रहा हूँ डिवाइडर को, स्केल के ऊपर रखोगे, सी पॉइंट जीरो पे होना चाहिए, डी पॉइंट आपका कहीं आ जाएगा, मान लो ये 4 पे आया तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा, डिवाइडर और रूलर दोनों की मदद से पता चल जाएगा कि दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, ये पता चल जाएगा। जैसे मुझे पता चला ये 5 है, ये 4 है, लेंथ पता चल जाएगा, तो आप ये बता सकते हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी भी हो जाएगा और इसमें आपके एरर आने के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, तो यही था हमारा इंट्रो, अब हमें इतनी बातें पता है तो हम एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट से एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, जब आप लाइंस को कंपेयर करते हो, लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करते हो मेयर ऑब्जर्वेशन। मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब जो हमने फर्स्ट मेथड करा था ना, जिसमें हम लाइन को देख रहे थे, लाइन को ऑब्जर्व कर रहे थे और पता लगा रहे थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके क्या डिसएडवांटेज है। तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब मैं इसको समझा रहा था, एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लो ये लाइन सेगमेंट आपके पास 2 हैं, ये है आपकी ए बी, ये है आपकी सी डी। ठीक है, एक इसका भी नाम देता हूँ ई एफ एक्स वाई। तो आप देख सकते हो ये जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन दोनों में से कंपेयर करके बताओ कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आप आराम से बता दोगे कि एक्स वाई छोटी है, ई एफ बड़ी है, क्योंकि हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच गैप बहुत बड़ा है। ठीक है, दोनों की लेंथ के बीच गैप बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपको 2 लाइन सेगमेंट दूँ ए बी और सी डी, तो आप यहाँ पे पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि दोनों की लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो लगभग सेम ही है। मतलब मान लो अगर ये 5 हुई तो ये या तो 4.9 होगी, या तो 5.1, या फिर 5.2, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इन केसेस में आप देखकर नहीं बता पाओगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, जब लाइन बिल्कुल सेम जैसी ही दिखे, तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, ऐसी लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ लगभग लगभग सेम होती है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है उनका, उनको हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, वी कैन नॉट कंपेयर द लाइन सेगमेंट विद स्मॉल डिफरेंस। हम उन लाइन सेगमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते जिनके बीच बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है लेंथ में। ठीक है, वी कांट से विच लाइन इज विच लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर लेंथ। ठीक है, हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। सो देयर इज अ चांस ऑफ एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। तो हमारे से गलती हो सकती है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हो सकता है कुछ बच्चे ए बी बोले और कुछ बच्चे सी डी बोले। अब जिन्होंने सी डी बोला वो तो सही बोला, ठीक है, क्योंकि सी डी ही बड़ी है 5.1। लेकिन जिन बच्चों ने ए बी बोला उनका गलत हो गया ना, तो उनसे गलती हो सकती है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। इसी वजह से हम जब भी लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है, हमसे इसमें गलती हो सकती है लाइन को पहचानने में, लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने में। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर।
वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखो जब भी एक लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए बोलूं मैं आपको, तो आप सिंपल सा क्या काम करोगे, आप एक रूलर उठाओगे, उसको एक लाइन सेगमेंट के ऊपर रखोगे और मेजर करके मुझे बता दोगे क्या है। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो आपको पता नहीं होता, आपसे गलती हो सकती है इस चीज़ में, ठीक है। जब भी आप एक रूलर से, ठीक है, अकेले रूलर से लाइन सेगमेंट को मेजर करते हो तो आपसे गलती हो सकती है। बेटर यही रहेगा कि आप डिवाइडर और रूलर दोनों को साथ में यूज करो लाइन सेगमेंट को मेजर करते वक्त। अब कैसे गलती हो सकती है, मान लो आप रूलर से लाइन सेगमेंट को मेजर कर रहे हो सकता है रूलर का जो जीरो है, ठीक है, 0.1 वो मिसप्रिंट हो रहा हो, या फिर हो सकता है रूलर काफी ज्यादा मोटा हो, जैसे कि आप यहां दे सकते हो। लाइन सेगमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हो सकता है आप गलती से जीरो पे रखो ही ना, ठीक है, जीरो पे आप रखो ही ना, ये लाइन सेगमेंट आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है। जब लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो पर नहीं होगा तो आप लाइन सेगमेंट की एक्यूरेट लेंथ नहीं बता पाओगे, हो सकता है इसका जीरो मिसप्रिंट हो रहा हो, ठीक है, 0.1 0.2 मिसप्रिंट हो रहा हो, आप गलती से लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट 0.3 पे रख दो जीरो की जगह, ठीक है। या फिर हो सकता है स्केल ज़्यादा मोटा हो, स्केल ज़्यादा मोटा होने की वजह से क्या होगा कि आपका लाइन सेगमेंट ठीक से मेजर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप डिवाइडर्स का यूज करते हो तो वहाँ पे आपको ये फायदा मिलता है कि आपसे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइडर को आप ऐसे मेजर करते हो जैसे कि मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, पिन पॉइंट होते हैं जो डिवाइडर के, ये जो एंड्स होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड होने की वजह से क्या होता है कि ये जो पॉइंट है डिवाइडर का, ये जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के ही इनिशियल पॉइंट पे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रखा जाता है। ऐसे ही इसका ये वाला पॉइंट ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रखा जाता है, गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। फिर आप सिंपली डिवाइडर को उठा के रखते हो और डिवाइडर को बिल्कुल जीरो पर रख सकते हो, क्योंकि इसका जो एंड है ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड, काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, तो वहाँ पे आप इसके पॉइंट को 0.1 पे या 0.2 पे नहीं रखते, आप एक्जैक्ट जीरो पे रखते हो, आप कभी देखना, ठीक है, डिवाइडर का यूज़ करके, तो आपसे गलती होने के चांस इसमें बहुत कम हो जाते हैं। इसके अंदर हम यही लिखेंगे लास्ट में, वाइल यूजिंग अ रूलर मे बी चांसेस ऑफ एरर अकर ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द रूलर। जब भी हम रूलर का यूज़ करते हैं तो हो सकता है हमसे गलतियाँ हो जाएँ, ठीक है, क्योंकि रूलर थिक हो सकता है, रूलर के थिक होने की वजह से हो सकता है कि लाइन सेगमेंट ढंग से मेजर ना हो पाए, ठीक है, हम उसकी ढंग से सेगमेंट की लेंथ का पता ना लगा पाए। लेकिन डिवाइडर के पास पॉइंटेड एंड्स होते हैं, इससे इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट का पता चल जाता है, ठीक है, इसमें हमें गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो अ डिवाइडर हैज पॉइंटेड एंड्स सो इट हेल्प्स अस टू रीड एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो ये आपको रखना है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपका, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, ठीक है, तो आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है और उसका नाम ए बी देना है। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, और फिर उस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर सी पॉइंट को कहीं बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सी पॉइंट बनाना है और इस लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी बना सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ ए सी पॉइंट, ओके। अब क्या करना है आपको, मेजर द लेंथ ए बी बी सी एंड ए सी। आपको क्या करना है, ए से लेकर बी तक की लेंथ को मेजर करना है, बी से लेकर सी तक को, और फिर ए से लेकर सी तक को, ठीक है। तो आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाओ, पर सबसे पहले आप एक ए बी लाइन सेगमेंट बनाओ, ठीक है, उसको मेजर करो। किससे करोगे, डिवाइडर और स्केल की मदद से। मैं ए बी को मेजर कर रहा हूँ और लेट सपोज मेरा ये आ रहा है 10 सेंटीमीटर, ओके। नाउ बी सी को मैं मेजर करूँगा, ठीक है, बी सी इसको मैं मेजर करूँगा, मान लो मेरे पास ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर मेजर करके, ठीक है। सबसे पहले आपको ए बी बनाना है, ए बी को मेजर करना है, फिर उसके बाद सी पॉइंट जहाँ आपने बनाया C से लेकर B तक को आपको मेजर करना है, ठीक है। अब उसके बाद ए बी मेजर हो गया, सी बी मेजर हो गया, अब आपको ए सी मेजर करना है, ठीक है, ए सी मेजर करना है,
और ये एसी ऑब्वियसली कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ए से लेकर बी तक की दूरी यानी कि डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, सी से लेकर बी तक की, सी से लेकर बी तक की कितना डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर। अब ये 10 आया, ये 4 आया, तो आप देखोगे जब आप इसको मेजर करोगे तो ये भी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AC। ठीक है, और आप एंड में क्या पाओगे कि जो AB आपका 10 सेंटीमीटर है वो इक्वल टू AC प्लस CB ही, AC प्लस CB ही निकल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे AB 10 सेंटीमीटर बनाया, AC मेरे पास कितना आया था, 6 सेंटीमीटर, और CB मेरे पास कितना आया था, 4। ठीक है, और 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल आ गए ना, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ठीक है, अगर एक लाइन के ऊपर ए बी सी आपके 3 पॉइंट हुए इस तरीके से कि ए बी आपका 5 सेंटीमीटर, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है और ए सी आपका 8 सेंटीमीटर है, तो बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये मेरी एक लाइन है। ठीक है, अब क्योंकि इस लाइन के ऊपर ए बी सी 3 पॉइंट है, ठीक है, और इस तरीके से है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी, और कितना डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अब बी से लेकर सी तक का कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी का यहां आएगा। ठीक है, तो मैं बी से स्टार्ट करता हूं यहां तक। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, सी। ए बी मेरा क्या है, 5 सेंटीमीटर, जो रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। बी से लेकर सी तक ये ब्लू कलर, ये क्या है आपका, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये आपका जो ग्रीन है ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप ये लाइन बनाओ, आप सिंपल ए बी सी ये बना सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। तो यहां पे हमें फिगर से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बी यहां पे मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट यानी कि मतलब बीच में है। ठीक है, ए और सी के बीच में आ रहा गई। ठीक है, एग्जैक्ट मिड में नहीं आना, लेकिन बी जो पॉइंट है आपका ए और सी के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो ए सी है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और जो आपका ए बी है, ए बी और बी सी को अगर मैं ऐड कर दूं, ए बी और बी सी को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 5 प्लस 3 यानी कि ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 सेंटीमीटर। तो ए सी भी 8 सेंटीमीटर है, ए बी प्लस बी सी भी 8 सेंटीमीटर है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो AC है वो AB प्लस BC के इक्वल है। यही तो बात पता चली। अब आप यहां पे देख सकते हो AC आपकी पूरी लाइन सेगमेंट है और AC के बीच में क्या आ रहा है, B पॉइंट। ठीक है, A से लेकर B और फिर B से लेकर C, तो बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, B। ठीक है ना, तो लास्ट में हम लिखेंगे B लाइज बिटवीन द अदर टू पॉइंट्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ए एंड सी। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ठीक है, तो यहां पे आपको एक ए जी लाइन सेगमेंट मान लो। ठीक है,
और डी इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले भाई मिड पॉइंट होता क्या है? मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो लाइन सेगमेंट के दो टुकड़े करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये मैं नाम दे रहा हूँ इसको ए बी, ठीक है। ये मान लो मेरी 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट वो पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच आए, ठीक है, जो बिल्कुल बीचों बीच आए, लाइक दिस, ठीक है। इसको नाम दे दूं मैं सी। तो मिड पॉइंट वो पॉइंट को कहते हैं जो एक लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच आता है और वो लाइन सेगमेंट के दो टुकड़े कर देता है, दो टुकड़े इन द सेंस दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। जैसे कि ये ए बी पहले 5 सेंटीमीटर की थी, अब क्या हो गया, दो पार्ट्स बढ़ गए इसके, एक तो ए सी और एक सी बी, ठीक है, एक तो ए सी एक सी बी, ठीक है। ये और ये और ये दोनों की लेंथ कितनी होगी, 2.5। ये 5 सेंटीमीटर 2.5 और 2.5 दो पार्ट्स में बट गया, ठीक है। तो इसे मिड पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच आता है और ये लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, हमें यहाँ पे डी को मिड पॉइंट बनाना है ए का, ए जी का, ठीक है, डी को मिड पॉइंट बनाना है ए जी का। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या काम करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कर दो, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी डी का डिस्टेंस जोड़ दो। ए से लेकर बी कितना डिफरेंस है, 1, बी से लेकर सी 1, सी से लेकर डी 1, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट करा था, ए से स्टार्ट करा था, तो ए। एंड कहां करा हमने, डी पे करा, तो डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये तीनों मिलके क्या बन गए, ए डी, ठीक है। 1 + 1 + 1 3 यूनिट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, ठीक है। ये भी कितना आएगा, 1 + 1 + 1, स्टार्ट कहां से करा था, डी से, एंड कहां करा, जी पे। तो डी जी क्या बन गया आपके पास, 1 + 1 + 1 3 यूनिट। तो अब आप देखोगे ए डी 3 यूनिट, डी जी 3 यूनिट। मैंने अभी क्या बताया था, मिड पॉइंट वो होता है जो इक्वल पार्ट्स में बांट दे। तो देखो ए जी लाइन सेगमेंट को, जो कि आपकी कितनी थी, 6 यूनिट्स की थी, ठीक है, उसको डी पॉइंट ने, किसने, डी पॉइंट ने दो पार्ट्स में बांट दिया, ए डी और डी जी, और दोनों का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे डी आपका क्या है, मिड पॉइंट। सो ये लिखो, हैंस डी इज दी मिड पॉइंट, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, से वाई ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो आपको सिंपल ये दे रखा है कि ए सी का मिड पॉइंट बी है और बी डी का मिड पॉइंट सी है, ठीक है, और ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो एक लाइन बनाते हैं सबसे पहले, ये लाइन हो गई ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स बनाते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट करके मैंने नहीं बनाया। अब क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी है वो ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए सी के बिल्कुल बीचों बीच
बी आ रहा है, ठीक है, बी जो है एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन पर लिखते हैं, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि बी मिड पॉइंट है। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है ना। मिड पॉइंट यही तो कहता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट के ऊपर हम मिड पॉइंट बनाते हैं तो वो उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। तो इसको भी मेंशन करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सो इससे क्या होगा, सी अगर मिड पॉइंट है तो बी सी ये वाला पार्ट सी डी के इक्वल हो जाएगा। क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ए बी को सी डी के इक्वल करना है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू, लिखो ऑन कंपेयरिंग, वन एंड टू। अब इसको ध्यान से कंपेयर करो, देखो ए बी के इक्वल बी सी है और बी सी सी डी के भी इक्वल है, बी सी ए बी के भी इक्वल है और बी सी सी डी के भी इक्वल है। तो इससे क्या पता चला कि ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, ड्रॉ फाइव ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, ठीक है। तो आपको फाइव ट्राइंगल्स बनाने हैं, उनकी साइड्स को मेजर करना है। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। आपको फिर चेक करना है कि जब आप दो साइडों का सम करोगे, ठीक है, उस ट्राइंगल की दो साइडों का सम करोगे, कहीं वो थर्ड साइड से कम तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। तो जैसे कि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, यहाँ पे ये बनाया मैंने एक ट्राइंगल, ठीक है। मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि मैंने मेजर करके तो बनाया नहीं है। तो ये 444 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेजर कर लिया, आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, उसकी सारी साइड्स को आपको मेजर करना है रूलर की मदद से, डिवाइडर की मदद से, ठीक है। फिर आपको ऐसे साइडों में लिख देना है सारी, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड देन ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि दो साइडों को सम करना है आपने, और दो साइडों का सम कहीं तीसरी साइड से कम तो नहीं आ रहा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, मतलब इस फोर और इस फोर को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एट, जो थर्ड साइड से बड़ा होगा। अगेन इसको और इसको ऐड कर दोगे, एट होगा जो थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो हमेशा इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा कि जब भी आप दो साइडों का सम करोगे तो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी कितना है, 4 प्लस 4 ग्रेटर देन 4, यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो ये आपको करना है, ऐसे ही आपको फाइव ट्राइंगल्स बनाने हैं और हर एक ट्राइंगल में चेक करना है। आपको एक चीज बता दूं कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दो साइडों को सम करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, ठीक है। दो साइडों का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो जब आप एक ट्राइंगल बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट का, बिना कोई गलती करें, तो आप वहां पे देखोगे कि हर ट्राइंगल के अंदर दो साइडों का सम थर्ड साइड से बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कह रहा है, चेक करो कि दो साइडों का सम कहीं थर्ड साइड से कम तो नहीं है, तो ये किसी भी ट्राइंगल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये किसी ट्राइंगल के अंदर मिलता है कि दो साइडों का सम थर्ड साइड से कम आ रहा है, इसका मतलब आपने ट्राइंगल ही वो गलत बनाया है। ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि हमेशा दो साइडों का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा,
अब मान लो ये मैंने एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाया है, 7 7 5, ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट्स है। तो आपको क्या करना है, नाम देना है, ठीक है, और अब सारा यहाँ पे लिखना है इसके बारे में कि पी क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर नहीं है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड देन पी आर इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगेन वही करना है आपको, दो साइडों का सम करना है। देखो अगर आप 7 + 7 करते हो तो आपको 14 मिलेगा, जो थर्ड साइड से ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है। अगर आप 7 + 5 करते हो तो आपको 12 मिलेगा, जो इस 7 से बड़ा है। तो आप यहाँ पे देखोगे अगर दो साइडों का सम करते हो तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा है, ठीक है, ये आपको हर ट्राइंगल में मिलेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पी क्यू, और क्यू आर को प्लस कर लेते हैं, इज ग्रेटर देन पी आर, यानी कि 7 + 5 इज ग्रेटर देन 7, यानी कि 12 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। तो ये आपको हर ट्राइंगल के अंदर मिलेगा, दो साइडों का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। ये जो क्वेश्चन में कह रहा है ये आपको किसी भी ट्राइंगल के अंदर नहीं मिलेगा, अगर किसी ट्राइंगल में मिलता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। तो मैंने ये दो एग्जाम्पल बताए, आप इसी तरीके से 5 ट्राइंगल्स आपने बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रो।